अब देख पा रहे हो अरुणाचल प्रदेश की ऐसे जहाँ भी आप देखेंगे नज़र आएंगे आपको इस तरह का फेयर। ये कौन सा फेयर आपको पता ही चल रहा होगा। आप देखिए कौन सा फेयर है और घर तो ऊंची ऊंची है। क्या पता क्या चल रही है, कौन सी है। आप चलेंगे ऐसे डिग्नरी के पार। अब मैं अरुणाचल में थोड़ा हिट चेकिंग करता हूँ। अब इन लोग को दीजिए मुझे देखकर कैसे उसका रिएक्शन होती है। अब मुझे मिल गया, थैंक यू भैया। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अरुणाचल के घर के टाइप स्टाइल कैसे होते हैं। ये देखिए अरुणाचल के घर के टाइप कैसे है। अच्छा लग रहा है क्या आपको। देखो ये बिल्कुल इस तरह का, सभी का घर इस तरह का होता है और ऐसे ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ऐसे देख लीजिए अरुणाचल के घर इस तरह का होता है। अरुणाचल के घर ऐसे होता है और बिल्कुल अच्छी मुझे भी पसंद आ रहा है अरुणाचल के घर। आपको कैसा पसंद आ रहा है क्या देखिए। हर किसी का घर देखेंगे तो इस तरह का नज़र। और वहाँ पे एक है देखिए, सभी का घर ऐसा है। मैं जहाँ जहाँ भी चला वहीं इस तरह का घर मुझे देखने को मिला। जब मैं अरुणाचल के देवनगरी के पास पहुँचे तो ये भैया ने मुझे मदद किया वहाँ पहुँचने में। लेकिन ये देखिए कैसा हालात हुआ और बहुत ही मुश्किल हालात में हमें ये पार करना पड़ा। तो इस भैया को बहुत बहुत शुक्रिया। भैया जी नहीं होते तो मैं यहाँ तक पहुँचना मुझे मुश्किल हो जाता। क्या क्या मुझे चलना पड़ा देखिए। इसी का नाम है ब्लॉगिंग करना भैया। तो ब्लॉगिंग करना आसान भी नहीं है और ऐसे मुश्किल भी नहीं है। एंजॉय होता है, नया नया चीज देखना पड़ता है, नया नया जगह घूमना पड़ता है और नया नया लोगों से मुलाकात होता है। ऐसे ही ब्लॉगिंग का चैनल मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग चैनल चुना। और मुझे ढूंढना है, मुझे घूमना है सारा दुनिया नया नया जगह पे। इसलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डिग्नोरी, अरुणाचल के फेमस जो रिवर है वह है डिग्नोरी। आप देखते रहना। आप देख रहे हो अभी डिग्नोरी, ये अरुणाचल प्रदेश की ये कितना खूबसूरत सीन है। आप देखिए नज़ारा कैसा है ये। और उस तरफ जो पहाड़ दूर दूर में दिखाई दे रहे आपको चाइना बॉर्डर के, चाइना बॉर्डर बहुत दूर है, हो आप वहाँ जा नहीं सकते। कितना अच्छे डिग्नोरी। फिर से और एक बार भाई इस भैया को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू भैया, आप नहीं होते तो हम इस जगह में पहुँचना मुझे मुश्किल पड़ जाता बहुत। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। थैंक यू सो मच। ये देखिए अरुणाचल का डिग्नोरी बहुत बड़ा खूबसूरत है और चारों तरफ क्या सीन है देखिए। बस बहुत बढ़िया है सीन नज़ारा कितना है पता नहीं। आप मुझे इस नज़र ये मेरा मन पूरा बिल्कुल खींच लिया। देखियो आप भी देखना, मुझे पता नहीं पैदल चलना यह मुश्किल पड़ जाता है। ये पैदल बोर्ड पत्थर है, ये जगह पूरा चारों तरफ जहाँ जहाँ भी नज़र आएंगे सब पत्थर आपको नज़र आएंगे इस तरह का। वाओ कितना सुंदर है। और आप देखिए कैसे है, जब ये बाढ़ आता है पानी का बाढ़ तो ये पूरा फ्लैट हो जाता है और कैसे पानी गिर के। और नीचे देखिए कैसे पत्थर है यहाँ पे। और इसका सीन तो कितना मज़ा,
देख लीजिए। शूटिंग के लिए बेस्ट स्पॉट है ये, इस तरह का प्लेस और इस तरह का सीन देखिए कितना सुंदर और ऐसी है जगह अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश की है चाकमा, उस तरफ के उस तरफ भी चाकमा लोग हैं और इस तरफ भी चाकमा लोग हैं। जहाँ भी आप नजर आएंगे कैसे देखिए कितना है, और इसका जो तेज बह रही है नदी का पानी तेज बह रही है बहुत, इसका उसका स्रोत तेजी हो सकते है देखने से पता चलता है, देख लीजिए। लेकिन वहाँ पे एक देखा दे रहा बोट, वो कैसे वो लोग आते जाते हैं देखो, ये स्ट्रीम बहुत तेज चल रही है फिर भी उसका नतीजा भी है, लोग जिंदगी को जी रहा है अरुणाचल की जिंदगी। ये देख लीजिए कैसे और खूबसूरत ये है डिग नदी। Thank you.
रमना पा रहा हूँ मैं कितना अच्छा ये नड़ी का बहुत यह भी मुझे दुख हो रहा है कितना कष्ट से ये कितना कष्ट से ये लोग जिंदगी जीता है फिर भी क्या करे जीना ही पड़ेगा। थैंक यू और मिलेंगे। मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे पत्थर चुन रहा हूँ और मैं करीब पाव किलो या आधा किलो घर में लेके जाऊंगा। यह डिग नदी के पार ये एक रिमार्केबल होगा।